यार प्यार हो गया इस जगह से, मतलब उठने का मन ही नहीं कर रहा है, इतना सही जगह है। इधर टर्टल्स, इधर समुद्र, बहुत सही जगह है। तो आज की डेट है 7 अक्टूबर 2019 और अगला डेस्टिनेशन है हमारा बेंटोटा। तो मेरा हॉस्टल वहीं पर है बुक। अब यहाँ से लेंगे हम लोग एक बस और बस ले जाएगी सीधे बेंटोटा। अभी हम हैं हिकडुआ में। हिकडुआ भी एक टूरिस्ट स्पॉट है वैसे। यहाँ पर जो छोटे टर्टल्स होते हैं उसको सी में डालते हैं, ये सब एक्टिविटीज़ होती है। तो यहाँ से अभी बस पकड़नी है बेंटोटा के लिए, 40 किलोमीटर और है लगभग। ओह, 2 बज गए हैं। तो अभी बस के अंदर बैठ गया हूँ, ये है एसी बस और यहाँ से अभी भी 34 किलोमीटर बाकी है बेंटोटा पहुँचने के लिए। तो आई होप कि 3 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि 2 बज गए अभी। में बसेस बहुत चीप है, जैसे कि 1 घंटे की जर्नी नियर अबाउट 35 किलोमीटर मुझे पड़ी है 150 रुपये, यानी कि अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो लगभग कितना 70 रुपये में, तो काफ़ी अच्छा ही है। और लग्जरी सीट है बस यहाँ, और यहाँ से बाहर का नज़ारा है। पहुंच गए बेंटोटा। हिकडुआ से बस मिल गई थी एसी बस, नज़ारे भी अच्छे थे। पहुंच गए बेंटोटा और यहां से जाना अपने हॉस्टल जो कि है ओशन व्यू हॉस्टल। पहुंच गए अपने हॉस्टल ओशन व्यू। यस, हेलो, गुड। मैं जिस रिसोर्ट में रुका हूँ वो बहुत ही अच्छा है, ओशन व्यू नाम है उसका, और एक दिन का 700-750 रुपये कुछ ऐसे पड़ा था मुझे। तो एक पूरा पर्सनल रूम मिल गया, प्राइवेट रूम मिल गया, तो काफ़ी अच्छा है वो। और अभी मैं जा रहा हूँ, सी टर्टल प्रोजेक्ट है यहाँ पर, तो उसमें जा रहा हूँ कंजर्वेशन, उसका नाम है कोसगोड़ा सी टर्टल कंजर्वेशन। तो अभी मैं वहीं निकल रहा हूँ, यहाँ से 7 किलोमीटर है, तो मुझे बस लेनी है। जिस रास्ते से मैं आया उसी रास्ते में वापस जाऊंगा बस। अब थैंक यू। तो अभी हिचहाइकिंग करते हुए मैं यहाँ बैठ गया हूँ उनके साथ। व्हाट इज योर नेम ब्रदर? हर्ष। हर्ष, आई एम दिव्यांश। आई एम फ्रॉम इंडिया। यस, आई एम गोइंग टू कोसगोड़ा सी टर्टल कंजर्वेशन। थैंक यू सो मच। तो भैया ही चैकिंग का भी एक्सपीरियंस हो गया, छोटा सा ही चैकिंग है, 7 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो ये छोड़ देंगे भाई साहब मुझे। सो व्हाट आर यू टेकिंग इन द बैक? व्हाट देयर लेफ्ट साइड? या माय बिजनेस एंड यू हैव बिजनेस? ओके, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस? ब्रेड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, स्मृति।
भैया लाइफ की पहली ही चेकिंग कंप्लीट की मैंने, 8-9 किलोमीटर की चेकिंग थी। अब यहाँ मैं आ गया हूँ सी टर्टल कंजर्वेशन में, तो बस यहाँ जाता हूँ और इसका मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है यहाँ पर, कोसगोड़ा सी टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। अब चलते हैं अंदर हम लोग। Yeah, yeah, I just called you, yeah. Okay. You have to buy the ticket. How much? One ticket? 1,000. So, यहाँ आने का एक टिकट लगता है, 1,000 रुपीज़ है टिकट की प्राइस, श्रीलंकन रुपीज़ में। एंड ये हमारे साथ हैं, व्हाट इज योर नेम? आई एम डगलिप फेरेरा। डगलिप फेरेरा। फेरेरा, ओके। सो यू विल डेमोंस्ट्रेट अबाउट टर्टल। Yeah, actually our project is the main turtles conservation project. In the world, there are 7 different type of living turtles around the Sri Lanka. Where is this? Is the turtle egg? Yeah. This size? Yeah. One second, please. Yeah. These are the real legs. Real mean the different type and calling okay. The green turtle. Green turtle. And the most of the common types are green turtle. Green right? Turtle. Okay. Yeah, we collect. We are reburied. So there, that's our hatcheries. Example. Okay. Means eggs are inside the sand. Yeah. Okay. We are buried there underground. This is the Sri Lanka, the best area, the female turtle laying egg. Okay. You are here in Kosgoda. Kosgoda, yeah. Kosgoda is very popular. All the 5 species are laying eggs. Okay. That's the story about the turtle. Okay. Ordinary turtle. Okay. 3 days old. 3 days old? Yeah. So, this is 3 days old turtle. Okay. Green turtles. Green turtles. Yeah, 3 weeks old. 3 weeks old. And these were 3 days? Yeah, it's a different type and different types of different species. Okay. These are the same type of the green turtle. But these looking bigger. Yeah, yeah, 3 months. 3 months old. Okay. The laying season? December to May. Okay, then at that time we can release that turtle. Okay. Side. Okay. So the green turtles. Okay, green turtle. What is the age of this turtle? I need to ask actually, I don't know the age. Why have you been analyzing here? 8 months. 8 months? Yeah. It will grow more. Right? Yeah, they are still the babies. Okay, normally still the babies. 25 to 30 years above granite food size. अच्छा, ये उड़ीसा में फेमस है। Yeah. फेमस इन उड़ीसा, ये हमारे भुवनेश्वर साइड में फेमस है काफी। है इसका टर्टल का नाम है ऑलिव रिडली टर्टल, और ये दिखता है कुछ ऐसा। इधर 2 years और 2 साल बड़ा है ये टर्टल। ये उड़ीसा में मिलता है हमारे। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कवर करने के लिए, और ये बेंटोटा से 8-9 किलोमीटर दूर है, बस ज़्यादा कोई दूर नहीं, डायरेक्ट बस भी है, और मैंने आज सुबह की चेकिंग भी की। एंड यहाँ पर एक छोटा सा इंफॉर्मेशन सेंटर भी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। टर्टल रिलीज करने का मन था मेरा कि मैं टर्टल रिलीज करूं पानी में, लेकिन अभी उसका मौसम नहीं है, वो दिसंबर के बाद होता है, तो अभी तो टाइम नहीं है टर्टल रिलीज करने का, फिर भी ये मैं देख लेता हूं। यह है हॉक्स बिल, इसकी चोंच कुछ एकदम बर्ड की तरह है। ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं टर्टल्स के अंडे। और ये जो है यहाँ पर बरी करके रखा गया है इनके अंडों को, तो इनके अंडे निकलेंगे, और यहाँ ऐसे लिखा था कितने अंडे डाले वो लिखा है, और कब डाला
उसका डेट भी लिखा रहता है और कौन सी वैरायटी का है, कौन सी ब्रीड का है, ये भी लिखा रहता है। इधर जैसे मैं एक दिखाता हूँ, ग्रीन टर्टल 39, 40, 30 दोनों इस तरफ इतने अंडे बरी किया इन्होंने और 65 मीटर अंदर डालते हैं और डेट लिखा है कि कब इसको बरी किया था, तो इसमें लिखा है 10/5। ये गिरा है छोटा सा नारियल ऊपर पेड़ से। व्हाट इज द फूड ऑफ फिश? स्मॉल फिश, या डू यू हैव स्मॉल फिश? मेरे पीछे वो जो हैचरी थी वो, और इधर है कुछ नारियल का पेड़ और इधर एक बढ़िया सा नज़ारा, इससे बढ़िया और क्या होगा लाइफ। और ये साथ में एक मिल गया है छोटा सा कोकोनट, इसको मैं रख लेता हूँ सुवीनियर के लिए। सही है यार, प्यार हो गया इस जगह से, मतलब उठने का मन ही नहीं कर रहा है, इतना सही जगह है। इधर टर्टल्स, इधर समुद्र, बहुत सही जगह है यार। खैर उठना है मुझे, जाने का दो पॉइंट और कवर कर लेता हूँ, फिर उसके बाद चलता हूँ वापस अपने हॉस्टल में। हॉस्टल भी काफ़ी अच्छा है। तो ये जो पीछे है रिसॉर्ट, ये ओयो का है, का नाम भी बता दे रहा हूँ आपको, सी बीच इन।